रक्षाबंधन पर भद्रा का साया, जाने कब बांधे राखी और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनके सफल जीवन की प्रार्थना करती है। वही भाई अपनी बहनों का आजीवन रक्षा करने का प्रण लेता है। बता दें कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा और पंचक दोनों का साया पड़ रहा है। ऐसे में यह पर्व दो दिन मनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व और शुभ मुहूर्त। भद्रा काल में नहीं मनाया जाता है रक्षाबंधन पर्व। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि भद्रा काल में किसी भी मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भद्रा काल में किए गए कार्य का अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके पीछे एक कथा यह भी है कि शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिस कारण से रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। इसलिए भद्रा के समय राखी बांधना निषेध है। भद्रा काल में भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस काल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है और उसे परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पंचांग के भद्रा की वजह से 30 अगस्त को राखी बांधने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह 10:58 पर शुरू होगी और इसके साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में रात को 9 बजे के बाद ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। वहीं 31 अगस्त को सावन की पूर्णिमा तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी और इस दौरान भद्रा का भी साया नहीं रहेगा। ऐसे में 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से पहले राखी बांधना शुभ होगा। राशि अनुसार भाइयों की कलाई पर बांधे राखी, जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।